हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि मोगरे के प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फ्लावर कैसे पा सके। ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र ऐसा है कि हम लोग उस फर्टिलाइज़र को यूज़ करें और अपना प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर पा सके। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे प्लांट को देख सकते हैं, काफ़ी लंबे प्लांट है और इस प्लांट का जो एज कम से कम 3 ईयर है, 3 साल है लगभग। देख सकते हैं काफ़ी लंबे प्लांट है मेरा। तो इसको तो मैंने बहुत बार जो है कटाई छटाई भी किए हैं, लेकिन अभी भी बोल सकते लंबा ही है। तो इस प्लांट में आप लोग जो है फ्लावर आप देख सकते हैं, हर एक ब्रांच में फ्लावर है। आप लोग अगर गौर करेंगे देखेंगे हर एक ब्रांच में फ्लावर है, नीचे से ऊपर तक। इस ब्रांच में भी है, इस ब्रांच में भी है। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले ही मेरे चैनल पे जो जो नए हैं वो सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर करें। तो देख सकते हैं सभी ब्रांच में कलियां है और फ्लावर है, देख सकते हैं। तो हम लोग जब रिपोर्टिंग करते हैं तो प्लांट को तो रिपोर्टिंग करना बहुत दिन हो गया, 3 साल हो गया। इसके बाद मैंने सिर्फ एक ही बार जो है पॉट को चेंज किए थे। पहले जो है 6 इंची का टॉप में था, इसके बाद मैंने जो है एक जो है ऑयल के कैन में लगा के रखे हैं। तो उसके बाद जो और मैंने जो है पॉट चेंज नहीं किए थे, लेकिन बहुत जल्दी इसका मैं बड़ा पॉट में इसको रिपोर्टिंग करूँगी। तो इसी पॉट में मैंने जो है महीने डेढ़ महीने में एक बार जो है कम से कम 250 ग्राम जैसा जो है काउडंग कंपोस्ट मैं यूज़ कर देती हूँ इस मिट्टी पे। इसके बाद जो है थोड़ा बहुत जो है बनाना पिल का फर्टिलाइजर, इसके बाद जो है सरसों का खली का लिक्विड हो चाहे डस्ट हो, इस तरह का भी फर्टिलाइजर मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ मोगरे के प्लांट के पे। तो मोगरे के प्लांट में जो है डस्ट वाला जो है सरसों का खली जो है वो भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पूरे के पूरे प्लांट जो है मेरे कलिए से फूलों से भरे हुए हैं। और ये देखिए मेरा पॉट को देखिए, एक मैं ऑयल के कैन में लगा के रखी हूँ। और अभी के टाइम में आप जो है प्लांट को बहुत चेक करके ही आप जो है वाटरिंग करें, क्योंकि अभी जो है प्लांट जो है पूरा बारिश में पॉट का मिट्टी भीगे हुए रहते हैं। पॉट की मिट्टी सूख जाने पर ही आप जो है पॉट में पानी यूज़ करें, वाटरिंग करें। और बात है जो मेन जो हम लोग का वीडियो का टॉपिक है वो है मैजिकल फर्टिलाइज़र। ऐसा हम लोग कौन सा फर्टिलाइज़र एक बनाए कि एक फर्टिलाइज़र से हम लोग का प्लांट पे फ्लावर ही फ्लावर हो। तो मैंने जो है इस पर 0.5 लीटर से थोड़ा ज़्यादा वाटर लिए हैं। और यह है काउडंग मैन्यूर और यह है बनाना पिल का फर्टिलाइज़र। बहुत दिन से देखिए रखा हुआ है। और यह है जो है सरसों का खली जो है लिक्विड है, भिगो के रखे हैं ये 5-6 दिन हो गया। इसको यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, बस 1 चम्मच जैसे यूज़ करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। लगभग 1 चम्मच मैंने ले लिए है सरसों का खली। और इस पर मैं ऐड करूँगी काउडंग मैन्यूर और जो है बनाना पिल का फर्टिलाइज़र। ये तीनों को मिला के जो फर्टिलाइज़र एक बनते हैं सचमुच का एक जो है मैजिकल फर्टिलाइज़र है। और एक फर्टिलाइज़र में प्लांट को जो है आपको जो है 3-3 जो है बूस्ट होने वाले टॉनिक होते हैं।
और बहुत ही हेल्दी फर्टिलाइजर है ये प्लांट के लिए। कोई भी प्लांट को आप यूज़ कर दें, खास करके मोगरे के प्लांट के लिए तो ये फर्टिलाइजर बहुत जो है लाभदायक है। इस फर्टिलाइजर को आप जो है हिबिस्कस पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस फर्टिलाइजर को यूज़ कर देना है हर एक मोगरे यूज़ कर देना है। और फर्टिलाइजर का यूज़ आप सबरी के टाइम करें या तो शाम के टाइम करें। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।